सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करके सिखाने वाले हैं स्नैपचैट ऐप की मदद से, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये फोटो एडिटिंग करना बहुत ही इजी है गाइज। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा लास्ट तक वॉच कर लेते हो तो आप भी ऐसे फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो गाइज, ज़्यादा इंट्रो लंबा नहीं करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो स्नैपचैट ऐप है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग स्नैपचैट ऐप को डाउनलोड कर लेना। ओके, तो ये जो फोटो अभी गैलरी में है तो इसको हम यहाँ से शेयर कर लेते हैं स्नैपचैट ऐप के अंदर। तो ये रही स्नैपचैट, इसको हम इस पर शेयर कर लेते हैं। तो गाइस, शेयर कर लेने के बाद सबसे पहले हम अपने फेस को गोरा करेंगे। तो फेस को गोरा करने के लिए पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सेलेक्टेबल एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सेलेक्टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर आपको गोरा करना है ना, वहाँ पर एक बार आपसे क्लिक करना है और दोनों उंगली की सहायता से इसके साइज को छोटा या बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से, और ऐसे ब्राइटनेस को इंक्रीज करना है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को ऐसे माइनस करना है, सेचुरेशन को माइनस करना है और स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। सो गाइस, जहाँ जहाँ गोरा करना है ना, पहले प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और जहाँ पर गोरा करना है वहाँ पर एक बार क्लिक करना है और फिर वही स्टेप सेम टू सेम करना है, ब्राइटनेस को इंक्रीज, कॉन्ट्रास्ट को माइनस, सेचुरेशन को माइनस एंड स्ट्रक्चर को प्लस। तो यहाँ पर हमारा जो फेस है गोरा हो चुका है, और गोरा हो जाने के बाद हम राइट क्लिक कर लेंगे। ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर, फेस जो है गोरा हो चुका है। अब क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड का कलर है बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो गाइस, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम एक PNG ऐड करेंगे। जितना भी हम PNG या फिर कुछ भी हम ऐड करेंगे सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग PNG डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो PNG को ऐड करने के लिए पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, प्लस वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाले PNG को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ऐड कर लेने के बाद सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसका ओपेसिटी को फुल रख लेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर इस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर ब्यूटी पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे, फिर ब्रश पे, और फिर आपको क्या करना है, अपने बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे चला देना है। अगर गलती से बॉडी के ऊपर ऐसे चल जाता है तो ये जो तीर दिख रहा है आपको, इसको पूरा 100 माइनस कर लेना है और फिर दोबारा चला देना है, जहाँ से मिटकाना हो तो मिटक जाएगा। ठीक है, और इसको पूरा 100 करके कुछ इस टाइप से ऐसे ऐसे आपको बैकग्राउंड में चला लेंगे। तो क्या, हम थोड़ा जल्दी जल्दी बैकग्राउंड के ऊपर चला लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। जब तक हम चला रहे हैं आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड चेंज हो गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बैकग्राउंड चेंज होने के बाद हम राइट क्लिक कर लेंगे और फिर बैक आ जाएंगे, और बैक आ जाने के बाद ये जो चश्मा का कलर है इसको भी चेंज करना है। तो इसमें भी हम एक PNG ऐड करेंगे कलर वाला, तो उसको भी हम ऐड कर लेते हैं डबल एक्सपोजर पर क्लिक करके। ठीक है, तो ये रही, इसको ऐड करने के बाद बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, और अगर सेपरेट कर लेने के बाद फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर ब्यूटी पे क्लिक करेंगे, डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे और फोटो को जूम करके अपने ग्लास के ऊपर, फोटो के चश्मे के ऊपर, ठीक है, ऐसे ऐसे चला देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप अपने ग्लास के ऊपर चला लिए हैं और उसके बाद फिर राइट क्लिक करेंगे और फिर बैक आ जाएंगे। तो इतना सारा ऑप्शन कर लेने के बाद अब क्या करेंगे, हम अपने फेस को स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो गाइस, फेस स्मूथ करने के लिए आप क्या करेंगे, पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे और फिर पेंसिल आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लेंस ब्लर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसको कुछ इस टाइप से पतला करके कुछ इस टाइप से नीचे करीब कर लेंगे। ठीक है, और जो ब्लर स्ट्रेंथ है इसको थोड़ा कुछ इस टाइप से यहाँ पर इसको 8% रख लेंगे, और जो ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन को बढ़ाकर 56 कर लेंगे, और जो विंगनेट है विंगनेट को कुछ इस टाइप से 38 के राउंड कर लेंगे। ठीक है, और फिर राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद व्यू रेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, लेंस ब्लर पे क्लिक करेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे और फोटो को जूम करके कुछ इस टाइप से स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे चला देंगे। आप लोग देख सकते हो हमारा जो फेस है स्मूथ हो रहा है। ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि हम अपने पूरे स्किन के ऊपर चला लिए हैं, और पूरी स्किन के ऊपर चलाने के बाद फिर राइट क्लिक कर लेंगे
और फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो इतना सारा ऑप्शन कर लेने के बाद अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो को शेयर कर लेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। तो वहीं पर हम इसको एडिटिंग करेंगे, तो इसको शेयर कर लेंगे। ये रही लाइटरूम ऐप, ठीक है, तो इसके ऊपर हम शेयर कर लेंगे। तो ये भी जो ऐप है गाइज आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग लाइटरूम ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो गाइज यहाँ पर जो हमारी फ़ोटो है लाइटरूम ऐप के अंदर आ गई है। तो लाइटरूम ऐप के अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको मिक्स कलर पर क्लिक करना है, फिर ब्लू कलर पर क्लिक करके आपको इसकी सेचुरेशन को बढ़ाना है गाइज, ठीक है, और ह्यू को थोड़ा सा इस टाइप के -19 के अराउंड कर लेना है, और लुमिनेंस को भी थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है, -18 के अराउंड। फिर आपको स्किन कलर पे क्लिक करना है ऑरेंज कलर पे, और इसके लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेना है करीब 12 के अराउंड, और जो सेचुरेशन है सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस के अराउंड कर लेना है -11 के अराउंड, ओके। और फिर येलो कलर पर क्लिक करना है और इसके सेचुरेशन को बढ़ा लेना है पूरा 100, ठीक है। और फिर आपको रेड कलर पे क्लिक करना है और इसके भी सेचुरेशन को बढ़ा लेना है, बढ़ाकर करीब 77 के अराउंड कर लेना है, और फिर डन। एंड गाइज हमारी जो फोटो है पूरा फाइनल एडिटिंग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो बिफोर कैसा था आफ्टर। तो इतना हमारा जो फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है। अब इसको गैलरी में सेव करने के लिए क्या करना होगा, शेयर ऑल ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर सेव टू डिवाइस पर क्लिक करोगे तो हमारी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये एडिटिंग पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि कैसे फ़ोटो को एडिटिंग किया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और गाइस अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।